ये है दोस्तों TVS Apache RTR 160। आज हम इसका फुल रिव्यू करेंगे। ये BS6 वाला मॉडल है इस गाड़ी का। इसे नया लुक दिया गया है फ्रंट से, आप देख सकते हैं। एक बार इसकी प्रोफाइल देख लीजिए आप, फ्रंट से भी एक बार इसकी अच्छे से देख लीजिए इसकी प्रोफाइल। तो इस तरह लगती है फ्रंट से देखने पर। फ्रंट की मैं आपको यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह मिलेगी। और ये इसका कुछ हेडलैम्प कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पर आपको LED DRLs मिलेंगी और ये LED हेडलैम्प है इस गाड़ी में। LED हेडलैम्प इसमें आ चुका है अब। इसमें यहाँ पर TVS रेसिंग की ब्रांडिंग है मडगार्ड में। एक बार फुल लुक आप ले लीजिए फ्रंट से। फ्रंट में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसमें आपको 270mm का पेटल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट में। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में। और इसमें आपको मिलता है सुपर मोटो ABS भी मिल जाता है इस गाड़ी में आपको, सिंगल चैनल ABS। और टायर में आपको यहाँ पर स्टिकरिंग भी मिल जाती है TVS रेसिंग की, आप देख सकते हैं। यहाँ पर साइड लुक आप एक बार इस गाड़ी का देख लीजिए। यहाँ पर पीछे गाड़ियाँ खड़ी इसलिए मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ टैंक में आपको हॉर्स बना मिल जाता है जो कि अपाचे में आ चुका है। अपाचे हर अपाचे में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़े से ग्राफिक्स दिए गए हैं और ये यहाँ पर आपको ऐसी नॉर्मल दिया गया है। ये टैंक इसका काफ़ी बड़ा लगता है, ये काफ़ी मस्कुलर लगता है देखने पर। नीचे आपको इंजन कंपार्टमेंट मिल जाता है ऑल ब्लैक में। यहाँ पर आपको ये मिल जाता है गार्ड, इंजन गार्ड। और उसके नीचे आपको यहाँ पर BS6 की बैजिंग मिलती है। और ये आपको ये पूरा फाइबर का दिया गया है इंजन प्रोटेक्टर। हाइपर एज की ब्रांडिंग यहाँ मिलती है। और यहाँ पर आपको मिलता है फुट स्टेप, ये सब फोल्ड जाता है। अपाचे की ब्रांडिंग यहाँ दी गई है। ये इतना पार्ट इसमें आपको सिल्वर मिलता है। यहाँ कुछ और फिनिश दी गई है इतने पार्ट में। पीछे पिलियन के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है फुट स्टेप। इसका एग्जॉस्ट आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। एक ही एग्जॉस्ट में इसमें आपको दो पाइप मिल जाएंगे। जो भी गाड़ी की डिटेल्स होंगी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। रियर में आपको 17 इंच का अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और ये आपको इसमें ये मिलता है पीछे का हगर, टायर हगर मिलता है, आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको अब RTR 164V की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। रियर लुक आप एक बार इस गाड़ी का अच्छे से देख लीजिए, कुछ इस तरह है इसका रियर लुक। रियर में आपको LED टेल लैंप्स मिलती हैं इस गाड़ी में, छोटी सी वी शेप में। उसके नीचे आपको यहाँ सीट खोलने की लिए स्विच मिल जाता है। इंडिकेटर्स में हेलोजन ही मिलते हैं आपको बल्ब वाले। और यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लाइट दी गई है नीचे। उसके नीचे रिफ्लेक्टर है। यहाँ पर भी आज के ग्रैब रेल, कुछ इस तरह का ग्रैब रेल दिया गया है इस गाड़ी में। काफ़ी अच्छा लगता है इसे पकड़ने पर। यहाँ पर RTR 160 की ब्रांडिंग है, कुछ इस तरह इसका है रियर लुक, साइड लुक। इस गाड़ी में आपको यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं रेड कलर में। ये इसका है कुछ चेन कवर है हाफ वाला थोड़ा सा। यहाँ पर फुट स्टेप, यहाँ अपाचे की ब्रांडिंग दी गई है। सीट की बात करें तो कुछ इस तरह की सीट मिलती है इस गाड़ी में आपको, थोड़ी वाइड, अच्छी खासी वाइड सीट। और पिलियन के लिए भी ठीक ठाक कंफर्ट मिल जाएगा इसमें भी आपको। पिलियन के लिए ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन ड्राइवर इसमें कंफर्टेबली बैठ सकता है। यहाँ पर आपको नीचे 5-स्पीड गेयर बॉक्स मिल जाता है इस गाड़ी में। यहाँ पर RTFI रेस ट्यून्ड FI मिलता है। और हाइपर एच की बैंडिंग भी यहाँ दी गई है। इंजन की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। टैंक कुछ इस तरह लगता है इसका। यहाँ पर ये बीच में पूरे ग्राफिक्स दिए गए हैं। यहाँ पर फ्यूल फिलर ओपनर आपको यहाँ मिलता है साइड में, आप इसका एक फुल लुक ले लीजिए। हैंडल बार कुछ इस तरह है इस गाड़ी का, आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको हैंडल बार कंट्रोल्स मिल जाते हैं।
यहाँ पर आपको पास लाइट भी इस गाड़ी में मिल जाता है, इंडिकेटर, हॉर्न के बटन, इस तरफ आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है और यहाँ आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन है। बेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और यहाँ पर RTR 160 की ब्रांडिंग भी दी गई है जो कि अपाचे में आती है। तो ये था इस गाड़ी का एक फुल रिव्यू। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। हमने अपाचे 160 का एक और रिव्यू किया है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।